मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी बीच सिंगरौली में भी स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश जन अभियान स्वच्छ भारत मिशन पखवाड़ा के अंतर्गत सिंगरौली जिले में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर से लेकर गांव तक जिला प्रशासन, नगर निगम, सामाजिक संस्थान से जुड़े लोगों ने सहभागिता की। इस दौरान सीधी सिंगरौली के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, ग्रामीण पंचायत राज्य मंत्री राधा सिंह और सिंगरौली विधायक राम निवास झा देवसर, जिला प्रशासन के अधिकारी सहित स्कूली बच्चे, निगम रहवासी भी शामिल हुए। इस बीच प्रभारियों ने शहर को साफ सुथरा रखने की अपील की और देश को बीमारी रहित करने के लिए इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे एक पखवाड़ा के रूप में 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर पूज्य महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर हमारे पूरे देश भर में स्वच्छता अभियान चल रहा है। उसके तहत पे आज हम लोग यहाँ पे हमारे प्रशासन के सभी अधिकारीगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे पार्षदगण, हमारे क्षेत्र के सभी आम जनता जनार्दन सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। कचरा कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, अगर रोड में कोई कचरा पड़ा है तो उसको उठाना चाहिए। आप देखेंगे कि हम उदाहरण देते हैं हमारे इंदौर के, जाएंगे आप इंदौर में ऐसे लगता है कि वो तुरंत अभी झाड़ू लगा है। हमारे यहाँ के लोग भी अगर सफाई में ध्यान दें तो बहुत अच्छा काम है। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के और 2 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक ये पखवाड़ा चलना है। इसमें हमको कई कार्यक्रम करना है जिसमें स्वच्छता अभियान एक प्रमुख है। सेवा से संबंधित कई कार्य जुड़े हैं, रक्तदान है, स्वच्छता अभियान है, मंदिरों की सफाई, मूर्तियों की सफाई, तालाब की सफाई, जल शुद्धिकरण से लेकर के विभिन्न कार्यक्रम इस तरीके के हैं जो हम लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।